आपको कोई दो थप्पड़ मार दे तो आप अपने फैसले चेंज कर देते हैं, अपने डिसीजन चेंज कर देते हैं। हजरत बिलाल कोड़े भी खा रहे हैं, सीने पे पत्थर भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, दर्द भी हो रहा है, आंखों से आंसू भी जारी है, फिर भी क्या कह रहा है, नहीं छोड़ना अल्लाह को। भाई डिमांड तो हमसे भी यही है कि तुम पर जुल्म हो या लोग तुम्हें ताज पहनाए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल किए जाएं या कोई उठकर तुम्हें ही क्यों ना कत्ल कर दे, हर हाल में तुमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ना नहीं है। आजमाइशों से डरना नहीं है, हालात से डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना, जो होना होता है वो हो जाता है। तुम अपने बिलीव, अपने अकीदे, अपने ईमान का सौदा कभी भी ना करना, डटे रहना इस बात पर कि तुम एक अल्लाह को मानते हो। हालात ठीक हो जाएंगे। आज अगर तुम परेशान हो और परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से घेर रही हैं और शैतान तुम्हें डरा रहा है कि तुम हार जाओगे, तुम डर जाओगे, तुम मर जाओगे वगैरह वगैरह, तो उससे ये कहो ना कि मरने ही तो आया हूं,